नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा रहने वाली है वो है सेनापति मंगल का राशि प्रवर्तन। 16 जनवरी 2022 इसी मंथ सेनापति मंगल अपनी वृश्चिक राशि से निकलकर, मतलब केतु के चुंगल से निकलकर धनु राशि, अपने मित्र गुरु की जो राशि है उसमें वो प्रवेश करने जा रहा है। जहां पहले से प्यार और ऐशो आराम के कारक शुक्र वहां विराजमान होंगे। धनु राशि में मंगल 26 फरवरी तक रहेंगे और उसके बाद वह मकर में चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। मतलब धनु राशि में मंगल और शुक्र युति योग करेंगे दोस्त। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मंगल और शुक्र है इनकी युति का एक विशेष महत्व है। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च के रहते हैं, कर्क में 28 डिग्री तक वो नीच के रहते हैं। मेष वृश्चिक इन दोनों के योग स्वामी है राशियों के। मंगल हिम्मत साहस जोश कार्रवाई करने की क्षमता क्रोध लड़ाई झगड़ा प्रेरणा गतिशील का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल हमारे काम करने की क्षमता और प्रदर्शन करने की जो क्षमता है उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए जन्म कुंडली में मंगल का मजबूत होना काफी लाजमी है। वहीं दूसरी ओर शुक्र है जो कि लव रिलेशन या शादी को रिप्रेजेंट करता है, यह सुंदरता और कला को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र के बिना हम सुखद जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इन दोनों ग्रहों की युति हमारे जो निश्चित रूप से जीवन में जोश भरती है। जब कुंडली में दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो ये एक वफादार कमिटेड और भावुक प्रेमी बनाती है। 16 जनवरी को जब मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो यह शुभ स्थिति होगी मंगल के लिए, तो वो अपने मित्र गुरु की राशि में जा रहे हैं। लेकिन शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती क्योंकि शुक्र धनी राशि का जो स्वामी गुरु है शुक्र के वह शत्रु है। इसलिए शुक्र यहां हमारे जीवन के जो पॉजिटिव पक्ष है उसको बढ़ावा नहीं देता। इसके अलावा शुक्र 29 जनवरी तक वक्री अवस्था में भी रहेगा जो लव लाइफ के लिए अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती। ऐसे में मंगल शुक्र की यह युति जो है बनने जा रही है नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। मंगल के प्रभाव के कारण क्रोध अग्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। शुक्र के कारण सुख सुविधाओं की लालसा बढ़ सकती है जिससे रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। दोस्तों इन दोनों ग्रहों का यह संयोग शादीशुदा जातकों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। यह युति आपके पार्टनर को बेहद पोजेसिव बना सकती है और जिनके चार्ट में मंगल शुक्र बुरी स्थिति में है उनमें फिजिकल अग्रेशन उसको बढ़ावा दे सकती है। कुछ मामलों में मंगल शुक्र की युति बेईमान संबंधों की तरफ भी इशारा करती है क्योंकि यह युति शारीरिक संबंधों के जुनून को बढ़ावा देती है, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में धनु राशि धर्म त्रिकोण की राशि है। मतलब यदि हम धर्म धनु राशि से 9th भाव से देखेंगे तो अधर्म भी इसी भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चर्चा की मंगल शुक्र के साथ धनु राशि में युति योग करने जा रहे हैं क्या प्रभाव हो सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं मंगल के बारे में कि यहां गोचर करते ही और वो क्या परिणाम हमें दे सकता है। जैसे कि हमेशा कहता हूं कि हर राशि में कुछ ना कुछ नक्षत्र पड़ते हैं, 2.25 नक्षत्र, तो धनु में भी 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं। एक केतु का मूला और शुक्र का पूर्व शाडा जो जिनके साथ ये युति योग करेगा, और एक उत्तरा शाडा जो सूर्य का नक्षत्र है। 16 जनवरी को एंटर करते ही मंगल जो है केतु नक्षत्र की जो मूला नक्षत्र उसकी यात्रा पर निकलेंगे 30 जनवरी तक। 30 से लेकर 17 फरवरी तक वो शुक्र के नक्षत्र पर रहेंगे और 17 से 26 फरवरी तक वो सूर्य के नक्षत्र पर रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि 12 की 12 जो राशियां लग्न हैं उनको मंगल यहां प्रवेश करने के बाद इन नक्षत्रों से गुजरते हुए कैसा परिणाम दे सकता है। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के जो भी हम केस स्टडी अपलोड करते हैं आप उन्हें मिस मत करिएगा। और इसके अलावा यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस एप्लीकेबल रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष। आपके चार्ट में मंगल जो है वो लग्नेश भी है और 8th भाव का स्वामी भी है और भाग्या भाव 9th भाव में वो प्रवेश करेगा। 16 से 30 तक मंगल केतु के नक्षत्र पर रहेगा। केतु आपके चार्ट में अभी 8th भाव में चल रहा है जिसकी वजह से आपको अपना चोट आदि से बचाव रखना होगा। इसके अलावा पिता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर रहेगा। इस समय शादीशुदा जीवन में ये मजबूती प्रदान करेगा। धार्मिक संस्थाओं या एजुकेशन से जुड़े जो फील्ड क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनको आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर रहते हुए अचानक से धन आगमन का योग बनाते हुए आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वृषभ,
आपके चार्ट में मंगल सेवंथ और ट्वेल्थ भाव का स्वामी होकर एट भाव में प्रवेश करेगा। 16 से 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर रहते हुए अचानक से वैवाहिक जीवन में तकलीफों को बढ़ा देगा। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा। यदि आप कारोबारी हैं तो आपके लिए मंगल की जो रुकावट यहां पर नजर आ रही है। यदि आप नौकरी पेशा तो आपके सहकर्मी आपका अहित कर सकते हैं। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर रहेगा। शुक्र लगन और सिक्स भाव का स्वामी होने से और मंगल ट्वेल्थ भाव का स्वामी हो गई होगा तो घटना और दुर्घटना से बचकर आपको रहना होगा। अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना होगा। यह समय हेल्थ के दृष्टिकोण से जहां सही नहीं है, वही जिनका शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा उनके लिए यह समय कुछ ज्यादा ही कष्टकारी रहने वाला है। आपस में अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जिन लोगों का इस समय कोर्ट में डिवोर्स केस लास्ट स्टेज पर होगा उनका अब केस फाइनल हो जाएगा। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर रहेगा। सूर्य इस समय गुरु के साथ आपके 10th भाव में अब अचानक से कार्य क्षेत्र में आपके सफलता के योग बनेंगे। मिथुन लग्न या राशि, आपके चार्ट में मंगल 6 और 11 भाव का स्वामी होकर 7th भाव में गोचर करेगा। 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर रहने से ये मैरिड लाइफ पार्टनरशिप व्यापार पर असर डालेगा। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। कैरियर के लिए भी ये गोचर पॉजिटिव है। आर्थिक तौर पर आपको कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के लिए यह गोचर ठीक नहीं है। आपको खाने पीने पर अपना ध्यान रखना होगा। 30 जनवरी से 17 फरवरी तक 5th भाव का स्वामी शुक्र और 11th लाभ भाव के स्वामी मंगल की युति 7th भाव में बनने से मैरिड लाइफ और लव लाइफ में जोश भरेगी। युति वही शादी योग है। लोगों की शादी का जहां योग बनेगा वहीं लव रिलेशन में रहने वाले कुछ लोग अपने रिश्ते को शादी में तब्दील करने का फैसला ले सकते हैं। 17 फरवरी से 26 फरवरी तक मंगल अपने मित्र सूर्य के नक्षत्र पर रहते हुए व्यापार या नौकरी में जहां यात्रा का योग बनाएगा वहीं जो लोग फॉरेन सेटलमेंट का सोच रहे हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं जो लोग शादी योग जो लोग हैं और किसी विदेशी से शादी करने का सपना सुलझाया हुआ उन्होंने, इस समय उनका सपना पूरा हो सकता है। कर्क लग्न या राशि, मंगल आपके चार्ट में 5th और 10th भाव का स्वामी होकर 6th भाव में प्रवेश करेगा। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। 17 से 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से समय बेहतर रहेगा। कुछ लोग अपनी जॉब बदलने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन जहां आप हैं वहीं रहिए, यही आपके लिए सही होगा। नौकरी और समाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो कर्क लग्न की महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष तौर पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के ही नक्षत्र पर है। शुक्र आपके चार्ट में 4th और 11th भाव का स्वामी होने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। सफलता के योग यहां पर बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों की प्रमोशन के योग भी यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्क लग्न के कुछ लोग वाहन की खरीदारी इस समय कर सकते हैं। 17 फरवरी से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर रहेगा और सूर्य धन स्थान का स्वामी होकर 8th भाव में गोचर करेगा। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। अचानक से आपका रुका धन आपको मिल सकता है। जॉब में अचानक से आपके रुतबे में इजाफा होगा। वहीं आपकी कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। व्यापारी पेशा लोगों की आमदनी में इस समय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने कंपटीटर पर भारी पड़ेंगे। संतान पक्ष के लिहाज से यह समय कुछ नरम रहने वाला है। कर्क लग्न की प्रेग्नेंट लेडीज को अपनी हेल्थ का इस समय भी ध्यान रखना होगा। बात करते हैं सिंह राशि या लग्न के। मंगल आपके चार्ट में 4th और 9th भाव का स्वामी होकर 5th भाव में प्रवेश करेगा। 30 जनवरी तक केतु के नक्षत्र पर रहेगा। शिक्षा संतान रिश्तों पर इसका प्रभाव रहेगा। कैरियर में उन्नति होगी। रिश्तों को लेकर अच्छा माहौल बनाने का आपको प्रयास करना होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा आराम मिलेगा और कार्यस्थल पर शांति का माहौल रहेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय जो है बेहतर रहने वाला है। यहां पर यह स्थिति सिंह लग्न राशि की जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए सही नहीं है। आपको भी अपना यहां पर विशेष ध्यान रखना होगा। 30 जनवरी से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर रहेगा और शुक्र आपके चार्ट में 3rd 10th भाव का स्वामी होने से आप चाहे किसी भी फील्ड से संबंधित हो अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में यात्रा का यहां पर अब योग बनता दिखाई दे रहा है। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर रहेगा। यह समय शादीशुदा जीवन के लिए सही नहीं होगा। कन्या लग्न या राशि, आपके चार्ट में मंगल दोस्तों 3rd और 8th भाव का स्वामी होकर 4th भाव में प्रवेश करने जा रहा है। 30 जनवरी तक केतु के नक्षत्र पर यात्रा करेगा। यह समय पारिवारिक सुख के लिए जहां ठीक नहीं, किसी से व्यवहार करते वक्त भी आपको सावधानी रखनी होगी, वही यात्रा करते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी। वाद विवाद से आप इस समय दूर रहें। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर, शुक्र आपके चार्ट में 2nd धन और 9th भाग्य भाव का स्वामी होकर मंगल के साथ 4th भाव में रहेगा।
अगर नई जमीन, मकान या गाड़ी लेनी है तो यह समय सही नहीं है, लेकिन यह समय आपके लिए अचानक से धन आगमन का योग जरूर बनेगा। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर, सूर्य आपके चार्ट में फोर्थ 12th भाव का स्वामी होकर 6th भाव में रहेगा। इस समय कुछ लोग कर्ज के द्वारा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं और कुछ अपनी प्रॉपर्टी के निर्माण का काम भी करते दिखाई देंगे। इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात करते हैं तुला, लग्न या राशि। आपके चार्ट में मंगल सेकंड और सेवंथ भाव का स्वामी होकर 3rd भाव में प्रवेश करेगा। इस समय आपके अंदर जोश देखते ही बनेगा। इस दौरान कोई भी काम करते वक्त आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर गोचर करते हुए पारिवारिक सुख में कमी करेगा। इस समय आपको बातचीत करते हुए शब्दों पर ध्यान देना होगा। भाई बहनों से संबंध बनाकर रखें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर, और शुक्र आपका लग्नेश और 8th भाव का स्वामी होकर यात्रा करते समय जहां आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, वहीं आपकी कोई कीमती वस्तु यात्रा के दौरान चोरी हो सकती है। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर, शादी योग्य जो लोग हैं इस समय शादी की बातचीत जो है वो फाइनल हो सकती है। वहीं शादीशुदा और लव रिलेशन में जो लोग हैं उनके लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला होगा। कैरियर के लिहाज से भी यह समय काफी अच्छा जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक। आपके चार्ट में मंगल लग्नेश और 6th भाव का स्वामी होकर 2nd धन भाव में प्रवेश करेगा। 30 जनवरी तक केतु के नक्षत्र पर रहते हुए आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आर्थिक पक्ष आपका मजबूत, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर रहते हुए समय वैवाहिक जीवन आपका अच्छा करेगा। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी में इजाफा हो सकता है, वहीं व्यापारी पेशा लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर रहते हुए प्रशासन से जुड़े लोगों के नेम फेम में वृद्धि करेगा। वहीं आपके रुतबे में इजाफा हो सकता है, बशर्ते आपके चार्ट में मंगल सूर्य की स्थिति अच्छी हो। इस समय आपके जो सीनियर्स हैं आपके कामकाज से सेटिस्फाइड रहते हुए आपके काम की सराहना करेंगे। कैरियर के हिसाब से यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि या लग्न के जातकों की। मंगल आपके चार्ट में दोस्तों 5th और 12th भाव का स्वामी होकर आपके लग्न भाव में प्रवेश करेगा। धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल उच्च समर्पण और अपार शक्ति प्रदान करेगा, लेकिन इस समय आपको अपने क्रोध, आक्रामकता या आवेग को कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर रहेगा। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह स्थिति सही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय अनुकूल रहेगा। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर, शुक्र 6th और 11th भाव का स्वामी होकर मंगल के साथ ही लग्न भाव में रहने से कैरियर में गति प्रदान करेगा। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर रहेगा। मंगल और सूर्य के प्रभाव के कारण कुछ धनु लग्न राशि के लोग यात्रा करना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक जीवन के प्रति आपकी रुचि और जुनून जो है इस समय बढ़ेगा। बात कर लेते हैं मकर लग्न राशि के जातकों की। आपके चार्ट में मंगल 4th 11th भाव का स्वामी होकर 12th भाव में प्रवेश करेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर, परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ खराब हो सकती है। नौकरी पेशा है तो यह समय चुनौतियों भरा रह सकता है, कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर, इस समय चल रहे व्यवसाय के साथ साथ एक और व्यवसाय को शुरू करने की योजना आप कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस समय किसी बने बनाए घर की खरीद की योजना पर भी काम करेंगे। लव रिलेशन के समय बेहतर रहेगा। कुछ लोग इस समय अपनी मर्जी से सीक्रेट रिलेशनशिप में जा सकते हैं। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर, इस समय आपको काफी सावधान रहना होगा क्योंकि इस समय मंगल अचानक से धन हानि का योग बनाएगा। बात करते हैं कुंभ लग्न राशि की। आपके चार्ट में मंगल 3rd 10th भाव का स्वामी होकर 11th भाव में प्रवेश करेगा। 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर, यह गोचर नौकरी, कैरियर, व्यापार में पॉजिटिव परिणाम लाएगा। नौकरी में सहकर्मी और सीनियर से अच्छे संबंध बनेंगे। व्यापार में नए और अच्छे सौदे हो सकते हैं। नए ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। 30 से 17 फरवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर, इस समय भाग्य पूरा साथ देगा। कोई रुकी हुई जो भी पुरानी बातचीत हो या कोई व्यापारिक डील अब इस समय पूरी हो सकती है। इस समय यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित रहेगी। 17 से 26 फरवरी तक दोस्तों मंगल सूर्य के नक्षत्र पर, काफी समय जो ये समय होगा जो वैवाहिक जीवन में चल रहा जो गतिरोध काफी समय से, इस समय यदि बातचीत से सुलझाने की आप कोशिश करें तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है, बशर्ते आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। शादी योग्य लोगों की शादी की बातचीत फाइनल इस समय हो सकती है। सबसे लास्ट मीन मंगल आपके चार्ट में 2nd धन और 9th भाग्य भाव का स्वामी होकर 10th कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 30 जनवरी तक मंगल केतु के नक्षत्र पर, मंगल कैरियर में अचानक उन्नति देगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनाएगा। व्यापारियों के लिए भी ये गोचर काफी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस दौरान आप अच्छा लाभ अर्जित करेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लंबी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, हालांकि आपको किसी के साथ भी वाद विवाद से बचना होगा। 30 से 17 जनवरी तक मंगल शुक्र के नक्षत्र पर,
इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो समय है कुछ ना कुछ कमजोर रह सकता है। वहीं आपको अपने पिता की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। 17 से 26 फरवरी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर रहेगा। जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। जिनका काम विदेशों से जुड़ा है इस समय उनको विदेशों से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत बनती दिखाई दे रही है। ये थी एक छोटी सी चर्चा कि मंगल धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, शुक्र के साथ मिलकर वो क्या रिजल्ट दे सकते हैं, और मंगल अपना खुद अलग अलग इन नक्षत्रों से गुजरते हुए सभी 12 राशि लग्न वालों को क्या प्रणाम दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप अपने विचार रख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।